हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जो मामास के एरिया में तबलीसी में, जहाँ पे हमने सोचा है कि मगरिब की नमाज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कुछ खाना वगैरह खा लें। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हलाल फूड का Compulsory. होता है, वो यहाँ पे दस्तियाब नहीं होता इतनी आसानी से। कुछ होटल हैं जो हैं तुर्किश होटल हैं, वहाँ पे हम खा सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होटल्स का भी हमने सुना है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। और ये देख सकते हैं नीचे पानी किस तरह से आबशार से आता है, भी वेट हुआ हुआ है थोड़ा सा, हल्की बूंदाबांदी फुहार वगैरह यहाँ पे हो रही थी। लेकिन ऑसम वेदर के लिहाज से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अभी भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बारिश और बादल दिख रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और मेरा दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने का। सोच रहा हूँ कि यहीं पे आके शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन क्योंकि हमें जाना है जहाँ पे हमें अपना रह रहे हैं, जहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इससे बहुत बेहतर जगह है, अल्लाह का घर करीब है, तो इधर आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जी जनाब, ये जगह है आपकी यानी तबलीसी की पुरानी आबादी और पुराना एरिया, जहाँ पे ओल्ड सिटी कहते हैं इसको। और बड़ा नीचे आप देखें झरना नज़र आ रहा है, पानी का बहता हुआ, ये आबशार पानी आ रहा है। और ये इस तरह से ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे हमने एक बड़ा अच्छा वो उन्होंने कौमी ताना बजवाई पाकिस्तान का, और इन्जॉय किया। अब हम यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट हैं हलाल फूड के, जिससे हम खाना खा सकते हैं इजीली। और तुर्किश रेस्टोरेंट भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक जगह है जहाँ लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, अपनी यादगार फोटोज़ हैं यहाँ पे। यहाँ यादगार फोटो हैं और सब चीज़ें हैं, यहाँ पे लोग खिंचवाते हैं फोटो अपनी, और अच्छा सा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मज़ेदार प्लेस है, ठंडी प्लेस है। ये ट्रैक है, आगे तक दिखा सकते हैं इस ट्रैक को। हाँ, इन लोगों से ताले डाले हुए हैं यहाँ पे। बड़ी खसूसियत है कि यहाँ पे लोग ताले अपनी मन्नतें मानते हैं, या जो भी पता नहीं क्या इनका तरीकेकार है, ये लॉक करके चले जाते हैं अपनी सारी मन्नतों को। मेरे ख्याल में जब पूरी होती है खोल लेते होंगे या बड़ा रहने देते होंगे, पता नहीं। यहाँ पे भी शॉर्ट पीरियड में बारिश हुई थी, और वो हल्की हल्की फुहार जैसी खूबसूरत वेदर के हिसाब से बड़ी अच्छी हमें लगी, और बहुत इंजॉय किया। और ये सिलसिला यहाँ पे गए बगैर चलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश होती रहती है और लोग जो है ना इस तरह से महसूस होते रहते हैं। हम इस तरफ आ गए, वो उधर रोड रश था, उधर जाके देखते हैं रास्ता उस तरफ, बैक साइड का। यहाँ पे, यहाँ जॉर्जिया में जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यानी जो मस्जिद के पास, यहाँ किसी रेस्टोरेंट पे अक्सर इन लोगों की जो फेमस फूड है उसमें खचा पूरी है। खचा पूरी हम सर्च कर रहे हैं कहाँ पे मिलेगी, तो हम देखते हैं और फिर वो लेते हैं, बताते हैं। जी, खाना बनाया है हम लोगों ने तबलीसी मस्जिद में, जुम्मा मस्जिद मशहूर है। और यहाँ पे ये इंतज़ाम है, हम देख सकते हैं बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है, मगरिब के टाइम होने वाला है।
मकसद है तबलीसी में एक मस्जिद है माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, वजू कर लूँ मैं, फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। हेलो गाइस, नाउ अभी हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं गुदेरी की तरफ। ये हम अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं, दो दिन हम यहाँ थे, तो अब हमारा यहाँ से सफ़र है गुदेरी की तरफ, जहाँ पे इस वक्त -6 डिग्री चल रहा है। और कस्बेगिया में जाने का इरादा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, -12 पे चला गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग तमाम वक्त मेरे ख्याल में गुदेरी में गुजारें, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी हुई तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, वरना फिर हम स्टे करेंगे। वो पता नहीं है वहाँ के वेदर का, माउंटेंस का, कि क्या सूरत हाल है।